गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना की पुलिस टीम ने गैंगस्टर के 4 अभियुक्तों की 9,60,000 की संपत्ति जब्त की। आरोप है कि गैंग बनाकर आरोपी मारपीट, लूट और चोरी को अंजाम देते थे। अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज है। पुलिस के अनुसार पिपराइच के वार्ड नंबर 17 शास्त्री नगर मोहल्ला निवासी सोनू यादव बड़े गाँव के लकड़ू उर्फ गुड्डू, सोन राइच बड़े गांव के सनी यादव और रिठिया गांव के तेजस्वी के मकान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अभियुक्तों के खिलाफ अलग अलग थानों में चोरी, लूट सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, गोरखपुर सर के निर्देशन में जो संदिग्ध अपराधियों पर अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत थाना पिपराइच पर गैंगस्टर अटैक हुआ था, जिसमें सोनू इत्यादि कई नफर थे। उनमें से 9 की लगभग 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश से कल जब्त की गई है और आगे भी जब्त की कार्रवाई जारी।